एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात याद कीजिए, यानी आपको रेत और रोड़ी का, अगर हम बात करें रेत और रोड़ी, इसका रेशियो कितना दे दिया है, 41:30 दे दिया है। और दूसरा रेशियो है रोड़ी और सीमेंट का, अगर रोड़ी और सीमेंट का रेशियो लिखें तो कितना है, 6:7 है। अब चूंकि निकालने के लिए बोला है आपसे रेत और सीमेंट का, रेत और सीमेंट का रेशियो निकालना, तो हम एक साथ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये रेत रोड़ी और सीमेंट बिल्कुल बेसिक ही है, बेसिक वाला क्वेश्चन है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 41 में अगर 6 से मल्टीप्लाई किए तो 6 और 24 इसे रेशियो, अब क्या करेंगे, ये आप इसे टेढ़ा तिरछा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 × 18 = 180 हो जाएगा, और रेशियो ये इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 × 7 कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 210 हो गया। यानी अगर देखा जाए मोटा मोटी रेत रोड़ी और सीमेंट का रेशियो कितना हो गया, 246 × 180 और 210 रेशियो में। तो हमें निकालने के लिए है रेत का और सीमेंट का रेशियो, रेत और सीमेंट का रेशियो निकालना है, तो रेत मेरा कितना है, 246 है और सीमेंट कितना है, 210 है। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, कितना और कितना कम से कम इसे लिख सकते हैं, तो 6 से दिख रहा है, 6 से अगर किए तो 6 × 24, 6 × 6 और ये हो जाएगा 6 × 18, 3 रिमाइंडर बचा, 6 × 5 = 30, यानी रेशियो आपका कितना आ जाएगा, 41:35 का रेशियो हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर।